अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आह, गर्मी, ऊपर से रमज़ान, तो किसका रोज़ा कैसा गुजर रहा है? हमारा तो अल्लाह का शुक्र है, इस गर्मी में भी बेहतरीन गुजर रहा है। चलें स्टार्ट करते हैं मेरी आज की वीडियोस। आज की वीडियो है ऑस्ट्रेलियन के बारे में, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन की ब्रीड माशाल्लाह आ चुकी है। आप देख सकते हैं डोली में बच्चे, अंडे सब जारी है। ऑस्ट्रेलियन एक्सी ऐसा बर्ड है जिससे आप गर्मियों सर्दियों में ब्रीड ले सकते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका डाइट प्लान कैसा है, आपकी जगह कैसी है, आप उन्हें कैसी नेस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, कैसी मटकियां प्रोवाइड करते हैं, कैसे बॉक्सेस प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब डिपेंड करता है एक अच्छी ब्रीड के लिए। और दूसरे फ्रेंड्स, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहूँगा, रमज़ान है, ठीक है। वैसे बीइंग अ मुस्लिम तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह को राज़ी रखें, बंदों को राज़ी रखें, लेकिन रमज़ान में स्पेशली आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने सराउंडिंग में देखा करें कि जिनकी आप मदद कर सकते हैं उनकी मदद किया कीजिए, क्योंकि हमारे रोज़े से अल्लाह इतना खुश नहीं होता जितना हम लोगों की मदद करते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, उससे अल्लाह खुश होता है। और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें कि उसने आपको देने वाला बनाया है, और अल्लाह पाक अपनी ज़ात के सिवा कभी किसी इंसान को किसी का मोहताज ना करे। लेकिन किसी को देने से पहले ये मत सोचा करें कि वो डिज़र्व करता है या नहीं करता। आप ये सोचा करें कि अल्लाह पाक ने आपको इस काबिल बनाया है कि वो आपसे कुछ करवाना चाहता है। अल्लाह पाक ने आपको इस काबिल बनाया है कि वो आपको लोगों को देने वाला बना रहा है, तो बढ़ चढ़ कर, स्पेशली माह रमज़ान में बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद करें। किसी की इफ्तार अगर आपकी वजह से हो रही है, किसी की सहरी अगर आपकी वजह से हो रही है, इट्स मीन यू आर द बेस्ट, और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें और दुआ कीजिए करें, अपने लिए भी, मेरे लिए भी, हम सब मुसलमानों के लिए, कि अल्लाह पाक हम सब पे अपना खसूसी करम फरमाए। और आजकल मैं बहुत बीमार चल रहा हूँ, इसलिए मुझे दुआओं की स्पेशली ज़रूरत है। मेरा एक छोटा सा मसला चल रहा है, ठीक हो जाऊँ तो मेरे सारे वीडियोस देखने वाले दोस्त अहबाब सबसे दुआ की अपील है कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दे। थैंक यू वेरी मच।